नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि P120 सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, P120 सिरप को बच्चों को कैसे देना चाहिए और P120 सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि P120 सिरप को बच्चों को देते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। P120 एक ब्रांड नेम है। P120 सिरप के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन पैरासिटामोल होता है। पैरासिटामोल को एसिटामिनोफेन के नाम से भी जाना जाता है। P120 सिरप का उपयोग छोटे बच्चों में दर्द और बुखार को कम करने के लिए P120 सिरप का उपयोग किया जाता है। P120 सिरप का उपयोग बुखार होने पर, शरीर की मांसपेशियों में दर्द होने पर, सिर दर्द होने पर, दांतों में दर्द होने पर, कमर के दर्द, कान के दर्द और गले के दर्द आदि कंडीशंस में P120 सिरप का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बच्चों में सर्दी जुकाम के लक्षणों से राहत पाने के लिए भी P120 सिरप का उपयोग किया जाता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर बच्चों में P120 सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। P120 सिरप दर्द और बुखार की एक सुरक्षित दवा है, लेकिन ज्यादा डोज में P120 सिरप को लेने की वजह से लिवर डैमेज हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन किसी को भी और किसी भी दवा से हो सकता है। यदि P120 सिरप को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, मुंह, गले, होठों या त्वचा पर सूजन, त्वचा पर खुजली, त्वचा पर रैशेस या P120 सिरप को लेने के बाद एकदम से बुखार होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण एलर्जिक रिएक्शन के हो सकते हैं और एलर्जिक रिएक्शन होने पर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि P120 सिरप को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। P120 सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तौर पर डॉक्टर P120 सिरप को बच्चे के शरीर के वजन के हिसाब से डोज को 10 mg से लेकर 15 mg प्रति 1 किलोग्राम के हिसाब से दिन में 3 से लेकर 4 बार P120 सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे का वजन 5 किलोग्राम है, तो 10 mg प्रति 1 किलोग्राम के हिसाब से डॉक्टर 50 mg P120 सिरप को दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। P120 सिरप की 5 मिलीलीटर सिरप में 120 mg पैरासिटामोल होता है। P120 सिरप की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ बच्चों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको P120 सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही P120 सिरप को बच्चे को देना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि P120 सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बिना लगातार 3 दिन से अधिक P120 सिरप को बच्चों को देना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना P120 सिरप को लगातार 3 दिन से अधिक बच्चों को नहीं देना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका P120 सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।